गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो भैया क्रेन आ रही है और गाड़ी जरा खाली की जाए। निकाल भाई इसी तरह सामान निकाल, जरा फटाफट बाहर आइए क्रेन। ये सब कुछ निकाल लें, नेट वेट सब कुछ, हर चीज़ ए टू जेड। हाँ हाँ, ये गुम हो जाएंगे भाई वहाँ पे सब शेड्स, कोई नहीं संभालता इनको। ये अपना हवा भरने वाला इन्फ्लेटर भी निकाल ले। तो जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अभी नहाए धोए नहीं है भाई, जरा गाड़ी निकालने, जरा सामान सामान सारा पाना तो रहने दो। अब पाना रहने दे, अंदर रखना पड़ेगा ना पाना भी। वो हवा भरने वाला था अपना, वो निकाल ले इन्फ्लेटर। हैं, ये तूने टायर रख दिया ना, टायर हटा पहले, उसके नीचे पड़ा होगा, बाहर निकाल इसको। अरे भाई बहुत सामान है, चलो तो नीचे रख दे। ये ट्रे बेंड हो रही है भाई, ये ट्रे खराब। तो जी इसमें देखिए हाफ टैंक से ज़्यादा फ्यूल है और गाड़ी चली हुई है 23,244 और इसमें डैश कैम लगाई हुई है ऑलरेडी। बाकी सारा सामान निकाल लिया मैंने, डैश कैम लगा हुआ है, बाबा की मूर्ति लगी हुई है, जय साईं राम, और एक हैंगिंग है इसमें। ओ चश्मा बड़ा हुआ, निकाल लें भाई। तो चश्मा निकाल लिया हमने, तो बस बाकी अब बाहर आ रही है क्रेन, देखते हैं गाड़ी कहाँ तक चलती है, क्योंकि चलानी मुश्किल है यार। वो एक्सल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो वो सही तरीके से चल नहीं रही। ट्राई करते हैं यार कैसे है, क्या सीन है। तो जी ये खड़ी क्रेन, छोटी क्रेन ही आई है भाई, ये खड़ी हुई और बस गाड़ी अभी दें टो करने के लिए। और भाई दिवाली सीजन आया हुआ है, दिवालियां बांटनी है और क्या कहते हैं अपना घर में फंक्शन है, उसकी सारी शॉपिंग चल रही है अभी। और ये बीच में डिस्टरबेंस हो गई भाई बड़ी तगड़ी, और ये हफ्ते 10 दिन से पहले आएगी नहीं गाड़ी। फोटो सेशन हो रही है, फोटो सेशन। ये स्टेपनी लगा रखी है हमने, बाकी पीछे रखा हुआ है सामान। तो ये गाड़ी है जी 5800 नंबर है गाड़ी का। तुम अकेले आए हो? अच्छा, तो ये ट्राई कर रहे हैं गाड़ी को अच्छी तरह से। मूड खराब हो गया यार, गांव गांव में एक रस्ते में ईंटें पड़ी थी उनके चक्कर में बताओ इतना काम हो गया, टायर भी ब्लास्ट हो गया और एक्सल भी थोड़ा टेढ़ा हो गया। एनीवे पार्ट ऑफ लाइफ, कुछ ना कुछ चलता रहता है। लिफ्ट हो गई गाड़ी, पेट्रोल तेल कितना, तेल हाफ टैंक से ज्यादा है। गाड़ी में कोई पर्सनल सामान नहीं है ना? दे दी गाड़ी जा रही है, अब देखो हफ्ते बाद आती है, 10 दिन बाद आती है, कितने दिन के बाद आती है, नो आइडिया। तो ये गई जी अपनी गाड़ी, ये गई। सो जी रेडी हो गए, अब चले जना कंपनी चले और सर्विस सेंटर जाएं और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करें, उनको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, फॉर्म फिल करना है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। फिर वो पूछेगा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किधर लगी थी, कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ, कोई पुलिस केस तो नहीं हुआ, तो बहुत सारी डिटेल्स होती हैं देनी पड़ती हैं। किसी और गाड़ी को डैमेज तो नहीं हुआ, किसी और थर्ड पर्सन को डैमेज तो नहीं हुआ, गाड़ी कौन चला रहा था, गाड़ी की स्पीड कितनी थी। तो
बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करनी है, तो जाके मैं फॉर्म फिल करें। मैंने गुच्ची को बुला लिया, मैंने गुच्ची भाई आ जा, देखो पार्किंग खाली होगी अपनी, तो गुच्ची को बुला लिया है, गुच्ची आ रहा है। क्योंकि यार आजकल ना यार कैब की बड़ी प्रॉब्लम है, कैब नहीं आती, कैब मिलती नहीं है यार। तो गुच्ची अभी फ्री था, मैं आया यार चलें। तो अभी बज रहे हैं जी 2:30 बज रहे हैं, तो 2:30 बज रहे हैं, अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो आधा पौना घंटा लगेगा, अदरवाइज एक घंटा भी लग सकता है। सो पहुँचते हैं गाड़ी में। ओ आ गए जी मिस्टर गुच्ची, राइट टाइम। टंकड़ान यार मेरे टायर दी हवा घट है यार, हैं हवा भरनी पड़ेगी पहले। हाँ तो भर लो। तो आ गए जी किया लाल रंग की गड्डी। हाँ उधर तो आगे जी जरा गाड़ी की इंस्पेक्शन हो, फिर आगे सर्वेयर आएगा, फिर देखते हैं। ये खड़ी अपनी राम प्यारी। तो ये फॉर्म शॉर्म भरें, फॉर्मेलिटीज करें पूरी, अब पता नहीं आ रही है क्या रहेगी। 5 दिन लगेंगे सर्वेयर को आने में, कि आजकल इंश्योरेंस कंपनी से सर्वेयर बहुत लेट आ रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे। टाटा AIG की कंप्लेंट्स है कि भाई जल्दी नहीं काम करते भाई। टाटा AIG वालों बताओ, कंपनी वाले बोल रहे हैं कि आपके सर्वेयर आते नहीं हैं टाइम से, बहुत डिले है। कंप्लेंट्स हैं कस्टमर की कि अच्छी सर्विस नहीं है टाटा AIG की। टाटा का नाम ऐसे ख़राब मत करो भाई। तो जी कर दी सारी फॉर्मेलिटी पूरी, अब चले वापस किया से, किया सर्विस सेंटर स्पर्श किया रामा रोड। तो अब भाई अपने मुंह से कह रहे हैं ये कि 15 दिन, और जब ये 15 दिन बोलते हैं तो एक मिनट जरा फोन सेट करना है, और जब ये 15 दिन बोलते हैं तो 25 दिन लगाते हैं। और भाई अभी वही ना सब सीजन वीजन और सब कुछ, मतलब दिवाली बांटनी है, इधर उधर जाना है, फंक्शन है, शॉपिंग करनी है रोज, और अभी सोनिया भी बस आने वाली है, तो बहुत बिजी शेड्यूल था मेरा। तो अब गाड़ी चलेगी तो बहुत दिक्कत होने वाली है भाई। कैब 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 पे कितने धक्के खाए। चलो करते हैं किसी गाड़ी का जुगाड़, कोई भाई बंधु काम आएगा जिसके पास गाड़ी फ्री खड़ी होगी, गाड़ी लेते हैं 10 दिन के लिए, जब तक मतलब जितने दिन के लिए यहाँ है। उनके तो चलिए, उनको तो जाना है 4 बजे 4:15। कुछ खा को लीजिए, क्या खाएंगे? की खाऊंगा। आज वार की है, ट्यूसडे। ओ ओनली वेज। यस ओनली वेज खाएंगे। तो लगी है जी भूख, आए कबानास। है कुछ चल रहे? तो ये कबाना तो बंद था, वहाँ कुछ मिला नहीं, वो कह रहे हैं 4 to 6 बंद होता है। और फिर एक हमारा ये अड्डा है भाई, यहाँ आते हैं तो अमृतसरी नान कुलचे। तो ये वेस्ट दिल्ली के अंदर तो इतना खतरनाक जाम है ना, समझ नहीं आता है। राजागढ़ तक सब कुछ सही होता है, राजागढ़ के बाद से लेकर और नजफगढ़ तक खतरनाक जाम। और आज मंगलवार है और फतेहनगर रोड पे हम, फतेहनगर गुरुद्वारा जेल रोड पे, और बहुत भीड़ है भाई, देखो ट्रैफिक कितना है जबरदस्त। तो हमने खा लिया जी तगड़े तगड़े नान, एक एक ही खाया, और फिट्टी विट्टी फुल हो गई, एकदम सुस्ती आने लग गई। तो और कुछ करने को था नहीं हमारे पास, तो हमने सोचा कि चलो पार्क जाके वॉक ही कर ली जाए। कपड़े देखो, आज कपड़े देखो, लोग हमें देख रहे होंगे। मैं ना रोज जब वॉक पे जाता हूँ ना, तो मैं कई लोगों को देखता हूँ भाई लेदर के शूज पहन के वॉक कर रहे होते हैं, फॉर्मल कपड़े पैंट शर्ट, कोई आएगा जीन्स के अंदर वॉक कर रहा होगा। मैं कहता हूँ ये पता नहीं कैसे पागल है यार, क्या कैसे कपड़े पहन के आते हैं। और आज हम भी ऐसे ही हैं, भी ऐसे जा रहे हैं, जीन्स वीन्स पहनी हुई है। मैंने कहा अब घर जाएंगे, गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर स्कूटी उठा के आएंगे, पता नहीं मूड करेगा नहीं करेगा। मैं कहा अभी तो रस्ते में ही है, तो सीधा पार्क ही चलते हैं जी। फिर जाम से हम कहेंगे कौन लड़ेगा, रहने दो। जाम तो भाई अफलातून, आफत ही आफत है जाम तो जबरदस्त।
और ये देखिए ये आ गया लड्डू पीला कलर डिजाइन मशीन जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। आज मंगलवार है तो इस मार्केट में मातम छाया हुआ है देख लो, नहीं तो यहाँ पे जो रौनकें होती हैं जी रात को खाने पीने की मौज हो। तो आगे जी हम पार्क देखो जी रेडी शेडी हो गए हम पार्क पैंटना जीन्स वीन्स जूते वूते और करें सैर। पहले अपने ग्रुप में भेजे सेल्फी अटेंडेंस लगाते हम पहुंच गए पार्क। तो जी पार्क की लाइटें ऑन हो गई हैं, दिन में आए थे और देखो रात हो गई है जी। कैमरे में तो आपको अभी भी दिन ही दिख रहा होगा लेकिन नहीं रात हो गई है। आज हमने सैर करी है मतलब रिलैक्सिंग वाली, ज़्यादा भागम दौड़ वाला नहीं करा हमने फास्ट। आज पूर्णमासी है जी, फुल मून लगा है। पूर्णमासी परसों है। अच्छा थोड़ा सा काटा है। हाँ वो मून दिख रहा था, मैंने कहा यार फुल मून लग रहा है भाई, लेकिन फुल नहीं है थोड़ा सा कम है। चलो जी हो गई सैर सपाटा। की हो गया टाउन लगी है कि नहीं, उधर है क्या वो। हेलो जी, तो जी बस आज का शेड्यूल यही रहा कि बस गाड़ी देनी थी यार, गाड़ी दे दी, अब फिर 15 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, पता नहीं कब मिलेगी गाड़ी यार। अब क्या कर सकते हैं, कोई इलाज ही नहीं है, कंपनी में तो देनी पड़ेगी और कंपनी वाले 10-15 दिन तो ऐसे ले लेते हैं ऐसे पता नहीं क्या हो। और ऊपर से वही मैंने बताया जैसे दिवाली सीजन है और घर में फंक्शन है, बहुत सारे काम है भाई, और गाड़ी के बिना क्या काम, शॉपिंग करने जाना तो गाड़ी, बस ऐसे ही है यार। चलिए एनीवेज कोई नहीं, अब गाड़ी जब आएगी तो तब तो तब आएगी आएगी, दूसरी गाड़ी का जुगाड़ करते हैं कोई, और अपने शॉपिंग के ब्लॉग और ये सब कंटिन्यू रहेंगे। बाकी बीच में कुछ डिफरेंट सा ब्लॉग हो सकता है, आज कुछ कह नहीं सकते। तो ये बस हंसते रहो, बसते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, रब रखा।